वेलकम बैक, हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए और एक नया अपडेट लेकर। और आज का जो नया अपडेट है वो है ओनिडा की तरफ से। तो ओनिडा ने अपने फायर टीवी एडिशन स्मार्ट टीवी सीरीज में और एक नए वेरिएंट को ऐड कर दिया है। और ये जो नया वेरिएंट है ये 55 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है। इससे पहले हमें ओनिडा की तरफ से सिर्फ HD और फुल HD टीवीज देखने मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर फायर टीवी एडिशन वाले 4K टीवीज भी ओनिडा की तरफ से आना शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में यहां पर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर टीवी को लेकर और जानेंगे कि क्या आपको ये टीवी बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ, ये बिल्कुल भी रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं किसी भी वीडियो में रिव्यू शब्द का उपयोग नहीं करता जब तक मैं उस टीवी को खुद एक्चुअल में टेस्ट ना कर लूँ। तो ये कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं है, जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ टीवी के स्पेसिफिकेशंस और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड इसी के साथ, अगर आप इस समय कोई नई स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आपके लिए स्मार्ट टीवीज एंड होम अप्लायंसेज से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज लाता रहता हूं। एंड इसी के साथ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओनिडा फायर टीवी एडिशन स्मार्ट टीवी सीरीज की बात करें तो ओनिडा इंडिया की ऐसी पहली कंपनी थी जिसके टीवी में हमें फर्स्ट टाइम फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिला था। और उसके बाद से बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने टीवीज में फायर टीवी ओएस देना शुरू कर दिया। और अब तो अमेजोन भी खुद के नए टीवीज लेकर आ चुका है फायर टीवी ओएस के साथ। लेकिन सबसे पहली जो टीवी थी वो ओनिडा थी। एंड यहाँ पर अभी फिलहाल ओनिडा की तरफ से आपको फायर टीवी एडिशन में 32 इंच, 42 इंच और 43 इंच फुल HD टीवीज देखने मिल जाते हैं। और अब यहाँ पर उन्हीं टीवीज के 4K वेरिएंट्स की शुरुआत जो है कर दी गई है। तो फिलहाल 55 इंच वेरिएंट लॉन्च किया गया है और जल्दी आपको 43 इंच और 50 इंच वाले वेरिएंट्स भी देखने मिलने वाले हैं। वेल, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओनिडा के इस नए 55 इंच 4K टीवी की। तो ओनिडा की जो नई टीवी है कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिल जाती है। टीवी का जो ओवरऑल लुक है वो मैं कहूंगा काफी डिसेंट निकल कर आता है। टीवी के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करी जाए तो इस टीवी में हमें IPS पैनल दिया गया है विद डीलेड बैकलाइटिंग। इस टीवी में हमें 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और इस टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो है 1200:1 का। अब IPS पैनल के हिसाब से इस टीवी में आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो काफी अच्छा देखने मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि टीवी में आपको पिक्चर क्वालिटी काफी हद तक अच्छी देखने मिलने वाली है। ओनिडा के मैंने पहले भी बहुत सारे टीवीज को यूज़ करा है और उस हिसाब से बोल सकता हूँ कि पिक्चर क्वालिटी के मामले में ये टीवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और IPS पैनल दिया गया है तो डेफिनेटली व्यू एंगल्स आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेंगे ही। इसके अलावा इस टीवी में आपको सभी HDR फॉर्मेट्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, लाइक HDR10, HLG एंड Dolby Vision। तो आपको सारे HDR फॉर्मेट्स का सपोर्ट आपको इस टीवी में दिया गया है। साउंड डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो इस टीवी में हमें 20 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें Dolby Atmos का भी सपोर्ट दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से 55 इंच के टीवी के लिए सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर्स, ये थोड़ी सी नाइंसाफी लग रही है, बिकॉज जितने भी मोस्ट ऑफ द मार्केट में 55 इंच के टीवीज हैं वो एटलीस्ट 30 वॉट के स्पीकर्स के साथ आते हैं। तो 20 वॉट की जो आउटपुट है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम होगी इतने बड़े स्क्रीन साइज के लिए। बाकी Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है तो वो काफी अच्छी बात है। बाकी यहां पर अगर हम बात करें इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां पर हमें Fire TV OS देखने मिल जाता है और Fire TV ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सभी पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो कोई भी ऐप हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें Alexa दीदी का भी सपोर्ट दिया गया है, तो वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ऐप स्टोर भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। और एंड्रॉयड के मुकाबले Fire TV OS मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पर हमें स्मूथनेस काफ़ी अच्छी देखने मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो फंक्शनैलिटी है स्मार्ट टीवी की, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर बात करी जाए इस टीवी की प्रोसेसर की, तो इस टीवी में हमें 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 1.95 GHz की स्पीड पर रन करता है। और यहाँ पर हमें माली G31 GPU भी देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर और GPU दोनों ही काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। साथ ही साथ इस टीवी में हमें 1.5 GB की रैम दी गई है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाती है। यहाँ पर आप सभी का सवाल आएगा कि 1.5 GB की रैम में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, Fire TV OS एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले थोड़ा सा लाइट है, तो इसे रन होने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कम रैम में भी ये काफ़ी स्मूथ आपको दे देता है। बाकी स्टोरेज यहां पर एटलीस्ट 16 GB की होती तो और भी बेहतरीन होता। इसके अलावा टीवी में हमें डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और बाकी सारे रिक्वायर्ड एसेंशियल पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये थे इस टीवी के डिटेल
स्केल स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओनिडा की ये टीवी मेरे हिसाब से एक डिसेंट ऑप्शन निकल कर आती है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, टीवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लेकिन वही अगर हम बात करें मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस की, तो मार्केट में इस समय आपको अमेजॉन बेसिक्स की तरफ से एक 55 इंच की स्मार्ट टीवी देखने मिल रही है जो कि फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। और अगर हम अमेजॉन की टीवी को और ओनिडा की इस टीवी को कंपेयर करें तो दोनों टीवीज में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम देखने मिलते हैं और टीवी का जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने मिलता है। और वही अमेजॉन बेसिस की जो 55 इंच वाली 4K टीवी है वो इस समय आपको अमेजॉन के ऊपर 43,000 रुपीस के देखने मिल रही है। और मेरे हिसाब से अमेजॉन की जो टीवी है जो कि 43,000 रुपीस में मिल रही है 55 इंच के स्क्रीन साइज के साथ, ये थोड़ी सी ओवर प्राइस है, बिकॉज मार्केट में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी टीवीज आपको ऑलमोस्ट 39 और 40,000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पर देखने मिल जा रहे हैं। और ये अमेजॉन की टीवी जो कि मेरे हिसाब से एक एवरेज टीवी निकल कर आती है, एक डिसेंट टीवी निकल कर आती है, और ये आपको उनसे 3,000 रुपये महंगी मिल रही है। वेल, ये तो होगी बात अमेजॉन बेसिक्स की। और वही अगर हम बात करें ओनिडा फायर टीवी एडिशन वाले स्मार्ट टीवी की, तो उस टीवी की कीमत ओनिडा ने अमेजॉन के ऊपर 49,000 रुपीज रखी है। अब यहाँ पर प्राइस सुनकर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये टीवी बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। जब जैसे कि हमने देखा कि ओनिडा और अमेजॉन की जो टीवी है दोनों सेम है, और जो अमेजॉन की टीवी है वो आपको 43 की मिल रही है, और फिर भी वो एक ओवर प्राइज टीवी है और ये तो उससे भी महंगी है। मेरे हिसाब से ओनिडा की इस टीवी की प्राइसिंग 38,000 to 39,000 रुपीज़ होती तो काफ़ी अच्छी डील होती, लेकिन ये फिलहाल काफ़ी महंगी मिल रही है। और पर्सनली मुझे ओनिडा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनिडा मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड रहा है। इनफैक्ट मेरी जो पहली टीवी थी वो भी ओनिडा की तरफ से थी, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ओनिडा के सभी टीवीज़ के प्राइसेस पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। और फिलहाल जिस प्राइस पर भी टीवी मिल रही है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। कम से कम इस टीवी की प्राइसिंग 10,000 रुपये कम होती देन इसको लेने का कोई पॉइंट बनता। बाकी 49,000 रुपीस बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है, और मैं इस प्राइस पॉइंट में आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये टीवी बाय करो। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, टीवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो प्रॉब्लम है वो है प्राइसिंग की। अगर ओनिडा की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आपके सभी टीवीज़ के प्राइसेस थोड़ा सा कम कीजिए, बिकॉज यूजर्स के लिए ये कोई सेंस नहीं बनता है कि वो नॉर्मल से स्पेक्स वाली टीवीज़ के लिए इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करें। और पिछले कुछ महीनों से ये चीज़ें हैं मार्केट में चल रही हैं, स्पेशली ओनिडा की बात करी जाए और कुछ ब्रांड्स की बात करी जाए तो टीवीज़ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन ओनिडा के इस नए टीवी को लेकर। सिंपल शॉर्ट अगर वन सेंटेंस में अगर एंड करना चाहूँ तो टीवी काफ़ी अच्छी है लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। फ्यूचर में अगर प्राइसिंग कम होती है तो डेफिनेटली आप इस टीवी को बाय कर सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कुछ रेकमेंडेड टीवीज की लिस्ट दे रहा हूँ, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सेवन आर।